सरकारी 100-शैया अस्पताल में अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की हो रही वसूली। स्वास्थ्य कर्मी खुलेआम कर रहे अवैध वसूली। पीड़िता ने लगाया आरोप। मामले में पर्दा डालने पर जुटे CMS राजेश तिवारी। छिबरामऊ क्षेत्र के सरकारी 100-शैया अस्पताल का मामला। वीडियो वायरल हुआ 100-शैया हॉस्पिटल का, सर क्या मामला है सर? क्या वीडियो वायरल हुआ? पैसे लेने का सर। पैसे देने के उसमें जो है मेडिकल भी में जो है केवल मेडिकल के पैसे जमा होते हैं, 68 रुपये पड़ते हैं। वो महीने में एक बार जो है SBI बैंक में जमा किए जाते हैं और RKS फंड में चले जाते हैं। 68 रुपये सर फीस लगती है सर। 68 रुपये पैसे लिए कहाँ पर लिए गए? उत्तम मिश्रा नाम है हमारा। हम 100-शैया अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने गए तो वहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य प्रमाण के 400 रुपये हमसे मांगे। तो मैंने जैसे उनसे पूछा कि पैसे लगते नहीं हैं तो बोले पैसे लगते हैं, हमें लखनऊ तक दिखाना पड़ता है। अतुल कुमार जो अंदर बैठे थे भैया, उन्होंने ही हमसे पैसे मांगे हैं और बोले कि हमने बोला कि हमें लिखित दो जो पैसे लगते हैं। आप लखनऊ तक बोल रहे हो कि जो पैसे लगते हैं लखनऊ तक हमें दिखाना पड़ता है, तो उसकी हमने लिखित रिसीट मांगी। तो बोले कि बड़े सर से बात कर लो। तो हमें बड़े सर के पास ले जाएंगे नीचे, वहाँ पर 2-4 डॉक्टर लोग बैठे थे। उन्होंने फिर यही कहा कि लखनऊ तक दिखाना पड़ता है। तो मैंने बोला कि हमें लिखित दो, फिर ऐसे माने नहीं। हमें ज़रूरत थी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने की, इसलिए मैंने फिर पैसे दिए। पैसे नहीं लगे, हमसे पैसे लगे हैं। सरकारी में पैसे लगते हैं क्या? नहीं, पैसे 68 रुपये लगते हैं। मैंने 68 रुपये लगते तो पहले लगते होंगे, अब नहीं लगते हैं। जैसे आपसे पैसे लिए जी, हमसे 400 रुपये लिए गए।